वेल हेलो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में मैं राज एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। और चलिए शुरुआत करते हैं एक नई क्लास के साथ। लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल टॉक अबाउट लास्ट क्लास सेकंड पार्ट। जो पिछली क्लास का अपना जो पार्ट है वो फर्स्ट हो गया था, अभी ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम क्लास को कंप्लीट करेंगे। पिछली क्लास में मैं बात करी थी कि अपना रूटीन बताने के लिए या दुनिया में किसी भी इंसान का आप रूटीन बताना चाहते हो तो आप बिल्कुल आराम से बता सकते हो। आपको क्या बोलना होता है, सबसे पहले वर्कर का नाम बोलना होता है। आई मीन टू से आप जिस इंसान की बात कर रहे हो सबसे उस पहले उसका नाम बोलिए, उसके बाद में सिर्फ आप एक्शन बोल दीजिए, मतलब वो काम बोल दीजिए जो इंसान बार बार करता है। सिंपल, यहाँ पे मैं अपने रूटीन की बात करूं तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, आई गेट अप। गेट अप का मतलब होता है उठना। मैंने कहा मैं उठता हूँ, आई गेट अप। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद हम बात करेंगे, मैंने कहा मैं फ्रेश होता हूँ, उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, फ्रेश होता हूँ, तो आई गेट फ्रेश। उसके बाद क्या करता हूँ, आई क्लीन टीथ, मतलब दांत साफ करता हूँ। उसके बाद आई वॉश, वॉश का मतलब होता है धोना। सबको पता है वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं, वॉश का मतलब धोना होता है। तो आई वॉश, मैं धोता हूं क्या चेहरा, तो आई वॉश माई फेस। अगर मैं ये कहूं कि मैं कपड़े धोता हूं तो आई वॉश क्लॉथेस। क्लॉथेस का मतलब होता है कपड़े। और यहां पे अपना अगला वर्ड है, अपनी अगली एक्शन है आई वाइप। वाइप का मतलब होता है पोंछना। आप किसी भी चीज को जब पोंछते हैं तो उसे वाइप बोलते हैं। आपको मैं एक सीधी सी बात समझाता हूं, आपके घर में वाइपर तो होगा जिससे आप पानी को पोंछ देते हैं। पानी को पोंछने के लिए काम में लेते हैं वाइपर, या काम में लेते हैं वाइपर। तो वाइप का मतलब हो गया पहुंचना, वाइप का मतलब पहुंचना, वाइपर पहुंचने वाला। टीच का मतलब पढ़ाना, टीचर पढ़ाने वाला। प्ले का मतलब खेलना, प्लेयर खेलने वाला। रन का मतलब भाग रहा, रनर का मतलब भागने वाला। ऐसे बहुत सारे वर्ड आप देखते हैं हर रोज। चलिए बात करते हैं आई वाइप का मतलब, मैं पहुंचता हूं क्या, माई फेस, आई वाइप माई फेस। उसके बाद कल मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूं, आफ्टर दैट, या आप देन भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद। तो आपने क्या कहा, आई गेट अप, आफ्टर दैट आई गेट फ्रेश, आफ्टर दैट आई क्लीन टीथ एंड आई वॉश माय फेस, आई वाइप माय फेस, आई मेक टी। आई मेक टी मींस मैं और चाय बनाता हूं। आगे बढ़ते हैं, आई टेक टी, आई रीड न्यूज़पेपर। जो जो काम आप करते हैं आपने उस क्लास में समझा था। क्लास इस क्लास का फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमने इस समझने की कोशिश की थी। तो आई रीड न्यूज़पेपर, आई टेक बाथ, उसके बाद में आई वर्शिप। वर्शिप का मतलब होता है पूजा पाठ करना। ये इंडियन कल्चर की सबसे बड़ी खास बात है कि हम कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो लेकिन हम सुबह उठने के बाद में, स्नान करने के बाद में पूजा पाठ करते हैं। तो मैं पूजा पाठ करता हूं तो आई वर्शिप। उसके बाद में आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। अब अगर इन एग्जांपल्स को आप पीछे की क्लासेस के साथ बोलना चाहें तो भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कहें कि मैं उठ सकता हूं तो यहाँ पे आप आई कैन यूज कर लेंगे, आई कैन गेट अप। अगर आप ये कहना चाहें कि मुझे उठना चाहिए तो आई शुड गेट अप। अगर आप ये कहना चाहें कि मैं उठूंगा तो आई विल गेट अप। ये आपको पीछे की क्लासेस से समझ में आएगा। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार हैं, अगर आपने अब तक हमारे फर्स्ट वीडियोज को नहीं देखा है जिसमें हमने फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे में क्लासेस को सेटअप बना रखा है, तो आप प्लीज 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 आप फर्स्ट वीडियो पे जाइएगा। फर्स्ट वीडियो को देखने के बाद ही आप पूरे कोर्स को कंटिन्यूअसली देखिएगा तो आपको अच्छे से इंग्लिश समझ में आएगी, हमारी क्लासेस अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, इंग्लिश बोलना सीखना अगर आपको कोई कहे कि 5 मिनट में या एक वीडियो में आ जाएगा, जी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो हम इतने वीडियो नहीं बनाते बल्कि एक ही वीडियो बनाते 5 मिनट का या 10 मिनट का और आपको दे देते और आप इंग्लिश बोलना सीख जाते। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इस पूरे कोर्स को डिजाइन कर रखा है। फर्स्ट क्लास 2-15 क्लास बेसिक रहेगा, उसके बाद में अपनी क्लासेस है वो एडवांस की तरफ हम लेंगे। तो अगर आपने अब तक फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो साइड में आपको लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए और आप फर्स्ट क्लास को देखिए और उसके बाद में कोर्स को कंटिन्यू कीजिए। चलिए, आज हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। इसमें भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, आई कैन गेट फ्रेश, आई शुड गेट फ्रेश, आई विल गेट फ्रेश, आई कैन क्लीन टीथ, आई विल क्लीन टीथ, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। चलिए, आज हम सेकंड पार्ट पे बात करते हैं क्योंकि हमने कल नेगेटिव सेंटेंस और सवाल पूछने वाले सेंटेंसेस पे बात नहीं की थी। अपनी क्लास थी
डू और डज के साथ हम बात कर रहे थे, डू और डज में हमने शुरुआत की थी कल, और डू और डज को हमने पढ़ने की कोशिश की थी जिसमें मैंने बताया था रूटीन की बातें करने के लिए। तो वर्क का डू और डज में से आपको एक काम में लेना था, डज कब काम में लेना है, डज कब काम में लेना है, थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान होगा अगर कोई भी तो हमें डज काम में लेना है। अब थर्ड पर्सन और सिंगल कौन होता है, मैं फर्स्ट पर्सन, मतलब आई होता है फर्स्ट पर्सन, बार बार बता रहा हूं आई होता है फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, तो अपना सेकंड पर्सन कौन हो गया यू। अगर मैं बात करूं इनके अलावा कोई भी बच गए वो सारे के सारे थर्ड पर्सन है। फॉर एग्जांपल मोदी, धोनी, गीता, सीता, राम, माय फादर, योर फादर, माय सिस्टर, माय फ्रेंड, सारे के सारे हैं वो थर्ड पर्सन और सिंगल है, उनके साथ हमें डज काम में लेना होता है। उसके बाद हमने एक्सन लगाया था, उसके बाद मैंने ये कहा था कि एक्चुअल में क्या होता है, ये भी एक एक्शन है और ये भी एक्शन है, इसलिए आपने फॉर्मूला सिर्फ इतना ही बनाया था और इसके साथ में एस ए एस आएगा। अगर डज होगा तो एस ए एस आएगा, अगर डू होगा तो एस ए एस नहीं आएगा। अब डज कब होगा वो आपको भी बताया है और हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, क्योंकि तो मैंने कहा कि डज आपको अगर यहाँ पे वर्कर थर्ड पर्सन और सिंगल मिले तो डज आएगा, उसके बाद में एस ए एस लगेगा। तो किसी भी एक्शन में एस ए एस लगती है, उसका यही कारण है कि वहां पे हम उसके साथ डज यूज करते हैं, और जब ये डू और ये एक्शन एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं तो डू तो दिखाई नहीं देता है यहाँ पे, लेकिन एक्शन के साथ में एस ए एस दिखाई देता है। मेरी बात को आप रिपीट करके सुन सकते हैं अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो, इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को जरूर बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे। चलिए आज नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कहा मैं चाय पीता हूं, तो आप सेंटेंस बनाएंगे आई टेक टी, मैं पीता हूं आई टेक टी, सिंपल सी बात है आई टेक टी। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं चाय नहीं पीता हूं तो आपको सेंटेंस में नोट यूज करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला नंबर दो लिख रहा हूं, स्टेप नंबर टू, डू और डज को आप यहां पे काम में लेंगे, उसके बाद में आपको नोट को काम में लेंगे, थर्ड नंबर पे आप नोट को काम में ले रहे हैं, उसके बाद में आप यहां पे एक्शन काम में लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी ये है कि इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि ये डू और डज एक्शन के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि बीच में नोट आ चुका है, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपने स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, कोचिंग कहीं पे भी अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है, टेंस पढ़े हैं, तो वहां पे आपको ये तो बताया जाता है कि जो साधारण वाक्य है, सिंपल वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है, उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, और जो नकारात्मक वाक्य है उसमें डू और डज आती है। तो ये डू और डज क्यों आती है, आज आप इसका कारण समझ लीजिए। मैं कल इसको एक्सप्लेन कर चुका था कि ये भी एक्शन है और ये भी एक्शन है, इसलिए दोनों एक जगह हो जाते हैं, आप सिर्फ इतना ही बोलते हैं आई टेक टी। लेकिन अगर आप ये कहना चाहे कि मैं चाय पीऊंगा तो आई विल टेक टी, अगर मैं चाय पी सकता हूं तो आई कैन टेक टी, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमने कल डिस्कस कर रहे थे, पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे। तो अब यहां पे देखिएगा कोई एस या यस नहीं आएगा एक्शन में, क्यों नहीं आएगा ये आपको पता है, क्योंकि ये डज जब एक्शन के अंदर जाता है तभी एस या यस आता है, वरना कोई एस या यस नहीं है। तो फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां से, और इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हमें नेगेटिव सेंटेंस को बनाना है। अब यहां पे एक चीज और देखिएगा, यहां पे नोट थर्ड नंबर पे ही है, डू और डज आप यूज करेंगे, डज कब आएगा थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान के साथ, डज थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान के साथ आता है हमेशा, और थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान कौन होता है, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और बाकी सब थर्ड पर्सन, और उसमें भी अगर सिंगल हो तो आपको डज लगाना है, ठीक है। चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं, आपने कहा मैं बोलता नहीं, मैं बोलता नहीं, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, आई डू नॉट, और यहां पर आप बोलेंगे स्पीक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपने कहा मैं नहीं जानता, तो क्या बोलेंगे, आई डू नॉट नो, नो का मतलब होता है जानना या पता होना या जानकारी होना, क्योंकि तो नॉलेज आपने वर्ड सुना होगा कि जनरल नॉलेज, सामान्य जानकारी, ठीक है ना। तो नो का मतलब होता है जानना, एक काम है, एक्शन है, और नॉलेज का मतलब होता है जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन दोनों को साथ में बोलना चाहें, डू और नॉट को, तो बोल सकते हैं, तब आपका सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट,
क्या बन जाएगा आई डॉट। यहाँ पे डू और नॉट को साथ में बोल रहे हैं डॉट, क्योंकि बोलने की सुविधा के अनुसार हमें यहाँ पे डू नॉट को डॉन्ट बोलना है, तो आई डोंट नो बोल सकते हैं। आपने कहा मैं चाय नहीं पीता, आई डोंट टेक टी। मैं बोलता नहीं, आई डोंट स्पीक। मैं लिखता नहीं, आई डोंट राइट। मैं कोई काम नहीं करता, आई डोंट एक्शन। अब यहां पे देखिएगा, आप ये कहें कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता किसी काम को, कैपेसिटी नहीं है, तो आप यहां पे आई कैन नॉट बोलेंगे, क्योंकि आप कोई काम को नहीं कर सकते, तो आपको क्लास कैन को यूज करना है, कैपेसिटी बता रहे हैं आप। अगर ये कहें कि मुझे कोई काम नहीं करना चाहिए, तो यहां पे आप शुड यूज करेंगे आई शुड नॉट एक्सेल। अगर आप ये कहें कि मैं कोई काम को नहीं करूंगा, तो आप यहां पे यूज करेंगे विल, आई विल नॉट एक्सेल। अगर आप ये कहें कि मैं कोई काम को नहीं कर रहा हूं, तो आप यूज करेंगे आई एम नॉट, आई एम नॉट, और एक्शन के साथ में आई एन जी आप लगा देंगे। तो यहां आप समझ पा रहे हैं। अब एक दो एग्जाम्पल हम इस डज के साथ भी लेते हैं। आप कहेंगे सर डज के साथ कोई एग्जाम्पल नहीं बताया, चलिए इस डज के साथ भी एग्जाम्पल लेते हैं। आपको वो काम यहां पे यूज करने जो आप नहीं करते हैं अपने रूटीन में। आपने कहा कि मेरे पापा चाय नहीं पीते हैं। अब मेरे पापा नहीं पीते हैं, तो यहां पे सबसे पहले यूज करेंगे My father, क्योंकि बात मैं मेरे पापा की कर रहा हूं, तो my father। अब my father आपको पता है थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान है, थर्ड पर्सन और सिंगल के साथ आप यूज करेंगे does, और यहां पे लगाएंगे not। एक्सेल में कोई SAS नहीं लगेगा, क्योंकि SAS तो यहां पे है और बीच में not आ गया, तो आप सिंपल बोलेंगे टेक टी। तो आपका सेंटेंस क्या बना, my father does not take tea। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां पे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैंने ये कहा यहां पे कि मेरा भाई टीवी नहीं देखता, तो सिंपल सी बात है यहां पे वर्कर चेंज हुआ और यहां पे मैंने लिखा माय ब्रदर। अब माय ब्रदर भी थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान है, तो वहां पे मैं डज यूज करूंगा और नॉट, लेकिन टेक टी। यहां पर मैं चाय पीने की बात नहीं कर रहा हूं, टीवी देखने की बात कर रहा हूं कि टीवी नहीं देखता, तो सेंटेंस बन जाएगा My brother does not watch TV। अब एक बात पे ध्यान देना कि मान लीजिए मेरे दो भाई हैं, तो यहां पे मैं लगाऊंगा my brothers। गौर कीजिएगा इस बात पे, मैं लगाऊंगा my brothers, मेरे दो भाई हैं और मेरे भाई टीवी नहीं देखते, तो my brothers। अब यहां पे does नहीं आएगा, do आएगा, क्योंकि does तो थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान के साथ होता है, थर्ड पर्सन लेकिन सिंगल भी होना चाहिए, ब्रदर्स हो गए तो वो सिंगल नहीं रहे। अब यहां पे सेंटेंस आपका बनेगा माय ब्रदर्स डू नॉट, या आप बोल सकते हैं डोंट, माय ब्रदर्स डू नॉट, या आप बोल सकते हैं माय ब्रदर्स डोंट वॉच टीवी। तो ये सिंपल तरीका है, आप इसको यूज कर सकते हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हैं, सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। देखिए ये बात अभी क्लियर हो जाती है कि वो जो एस या ईएस लगता है एक्सेल में, जैसे ही गोज सीता प्लेज, आपने सुना होगा कि एक्सेल में एस या ईएस लगता है, वो क्यों लगता है, उसका रीजन है कि ये डज इसके अंदर चला जाता है, डू तो एक्शन में जाता है तो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि डू एक्शन है, ये भी एक्शन, तो एक्शन में एक्शन का पता नहीं चलता है, दूध में दूध का पता नहीं चलता, सिंपल सी बात है, लेकिन एस या ईएस उसमें दिखाई देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, एक और एग्जाम्पल ले लूं और उसके बाद में हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। एक एग्जाम्पल आपने कहा कि मैं चुगली नहीं करता, मैं चुगली नहीं करता, तो आप सिंपल सी बात है आई, क्योंकि आप खुद की बात कर रहे हो, और यहां पे यूज करेंगे डू और यहां पे यूज करेंगे नॉट, चाहे तो आप डोंट भी बोल सकते हैं, आई डोंट बैक बाइट, बैक बाइट। बैक बाइट का मतलब मैंने पहले भी बताया था पीछे की क्लासेस में, बैक का मतलब पीछे, बाइट का मतलब काटना, पीछे से किसी की बात काटते हैं तो उसे चुगली कहते हैं। मैं चुगली नहीं करता, आई डोंट बैक बाइट। मेरा भाई चुगली नहीं करता, तो मैं क्या बोलूंगा, माय ब्रदर डज नॉट, क्योंकि मेरा भाई थर्ड पर्सन सिंगल के साथ आपको डज यूज करना है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर गेटिंग, आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूं, आई होप, आई होप, दो ही वर्ड है देखिए, मैं आशा करता हूं, तो आई होप आपने बोला, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने यहां पे अगले स्टेप पे बात करते हैं। अगला स्टेप अपना रहेगा क्वेश्चन पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए। एक गाना तो आपने सुना ही होगा, पंजाबी गाना आया था, अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या गाना था।
डू यू नो, ऐसे कुछ करके गाना था पंजाबी गाना, डू यू नो ऐसे कुछ करके गाना आया था। मैं उस सेंटेंस को लिखता हूं डू यू नो, ठीक है। अब देखिए ये अपना फॉर्मूला है सवाल पूछने के लिए, तो उसमें देखिए यू एक वर्कर है तो मैं यहां पे वर्कर लिख लेता हूं, और नो एक एक्सेल है तो मैं यहां पे एक्सेल लिख लेता हूं। देखिए सबको पता है सवाल पूछने के लिए हम यही पैटर्न काम में लेते हैं। सवाल पूछने के लिए हमारा पैटर्न क्या रहता है, सबसे पहले हम टाइम वर्ड को यूज करते हैं, उसके बाद में वर्कर को यूज करते हैं, और उसके बाद में एक्सेल को यूज करते हैं। सिंपल सी बात है। टाइम वर्ड आज की क्लास में हमारे पास क्या है, डू और डज। डू कब काम में लेना है, डज कब काम में लेना है, सबको पता है। डज थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान के साथ, बाकी हमेशा डू। और उसके बाद में वर्कर कोई भी हो सकता है, मेरा भाई, आपका भाई, छोटू, गीता, मैं, तुम, कोई भी हो सकता है वर्कर। एक्शन कुछ भी हो सकती है, आना जाना, खाना पीना, बोलना सोना नहाना, बहुत सारे एक्शन है यूज कर सकते हैं आप। चलिए इनसे बहुत सारे सवाल बनाएंगे हम। तो चलिए सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको पता है क्या? तो सिंपल सी बात है, डू यू नो, मैंने पूछा आप चाय पीते हो क्या, आप चाय पीते हो क्या, डू यू टेक टी, क्योंकि यू के साथ हमें डू काम में लेना है। अगर यही सवाल मैं आपके पापा के लिए पूछूं कि आपके पापा चाय पीते हैं क्या, आपके पापा, तो यहां पे सेंटेंस में योर फादर यूज करेंगे, योर फादर। अब योर फादर थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान है, तो सवाल डज से शुरू होगा। डज योर फादर, और चाय पीने की बात कर रहा हूं, तो डज योर फादर टेक टी। मैंने आपसे पूछा कि डू यू टेक टी, अब अगर आप चाय पीते हैं तो जवाब क्या आएगा, आई टेक टी। जवाब क्या आएगा, आई टेक टी। अब अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो आपका जवाब क्या आएगा, सर मैं, तो आई डोंट, नहीं पीते हैं तो डोंट और टेक टी यहां पे आप यूज कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है इस क्लास को यूज करने का। मैं पूरी क्लास को एकदम एक साथ में यूज करते हुए आपको एक दो एग्जांपल लिख के बताता हूं, उसके बाद में आप अच्छे से समझ पाएंगे और इस क्लास को बोल भी पाएंगे। देखिए क्लासेस को आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, नहीं बोलने से आपको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक तरीका सिखाता हूं। एक कैंडिडेट है जिसका नाम है ए, मान लीजिए ए, ए ने पूछा डू यू प्ले। अब बी का जवाब सुनिए, बी का जवाब है आई प्ले। अगर वो खेलता है तो, अगर वो नहीं खेलता है तो उसका जवाब क्या आएगा, आई डोंट प्ले। सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए ए ये पूछे कि तुम खेलोगे क्या, खेलोगे क्या, फ्यूचर की बात कर रहा है कि तुम फ्यूचर में खेलोगे क्या, विल यू प्ले पूछेगा, तो अब बी का जवाब क्या आएगा, या तो वो कहेगा आई विल प्ले, मतलब मैं खेलूंगा, और अगर वो नहीं खेलेगा तो उसका जवाब क्या आएगा, आई विल नॉट प्ले। सिंपल सी बात है। ठीक वैसे ही एक सवाल और लेते हैं, तुम खेल सकते हो क्या, तो कैन यू प्ले, तो इसका जवाब क्या आएगा, आई कैन प्ले, या फिर अगर नहीं खेल सकता तो जवाब क्या आएगा, आई कैन नॉट प्ले। सिंपल सी बात है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए ये। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, बोलिए, और अपना डेली रूटीन आप मेरे को लिख करके बताइए, ठीक है ना। जितना ज्यादा आप इस क्लास को प्रैक्टिकली लेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। इंग्लिश 5 मिनट में नहीं आती है, लेकिन लगातार क्लासेस को अगर देखा जाए, लगातार प्रैक्टिस की जाए, तो आप जरूर इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, क्लासेस को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास में। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे कॉन्फिडेंस को दोगुना कर देता है, और हम भी चाहेंगे कि आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाएं ताकि आप इंग्लिश को अच्छे से सीख सकें। आज के लिए बस इतना ही, सी यू अगेन, टाटा बाय बाय।